हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुंब्रा प्रभाग समिति का कार्यभार मोतीराम भगत की पत्नी दीपाली भगत ने संभाल लिया है। इससे पहले एनसीपी की नगर सेविका मुंब्रा प्रभाग समिति की अध्यक्ष अश्विन राउत थी। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस की वार्ड क्रमांक 26 की नगर सेविका दीपाली भगत को मुंब्रा प्रभाग समिति का अध्यक्ष बनाया गया। आज मुंब्रा प्रभाग समिति में जोरदार तरीके से दीपाली भगत का स्वागत किया गया। इनके साथ इनके पति मोतीराम भगत और इनका पूरा भगत परिवार मौजूद रहा। मुंब्रा प्रभाग समिति में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने दीपाली भगत की आरती की। आरती होने के बाद मुंब्रा प्रभाग समिति में दीपाली भगत ने प्रवेश किया और दीपाली भगत और मोतीराम भगत ने सबसे पहले विष्णु नाना दादा भगत की तस्वीर पर फूल माला अर्पण कर उन्हें याद किया। इसके बाद मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने फूलों का गुलदस्ता देकर दीपाली भगत को सम्मानित किया और इसी तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी दीपाली भगत को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मान सत्कार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए दीपाली भगत ने कहा कि जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगी और किसी को भी शिकायत का मौका न मिले। दीपाली भगत ने क्या कुछ कहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर क्या कहा है, सुनिए। सबसे पहले मैं मेरे पति का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। उसके बाद मैं अध्यक्ष हैं हमारे वो विक्रांत चौहान साहब और हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाज, उन्होंने मुझे इतना बड़ा पद दिया है तो उन्हें मैं बखूबी निभाने का कोशिश करूँगी। अध्यक्ष पद मिलने के बाद आपको आगे क्या काम करना चाहिए, जो बात है काम होने वाले क्या कहेंगे? वैसे तो हमारा पूरा स्लम एरिया ही है, तो वहाँ के नाले, पानी की समस्या है और वो गली में रास्ते की समस्या है, वो सब पहला ये करने की प्रयास करूँगी, मैं सुलझाने की प्रयास करूँगी। भैया, मुंब्रा का कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पानी की समस्या है और खासतौर पे रोड का जो इलीगल तरीके से पार्किंग है, ये सब समस्याएं जो है कहीं ना कहीं आपको जो अध्यक्ष पद मिला है तो लोग कहीं ना कहीं अभी नई उम्मीद से देख रहे हैं, तो क्या आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करूँगी, क्योंकि वो रोड की जो पार्किंग है वहाँ से तो बहुत तकलीफें होती है लोगों को, तो वो मैं ये करने का प्रयास पूरा करूंगी। ये जो पद आपको मिला है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पहले आप एक वार्ड की नगर से पूरा कौशल से लेकर आपको पूरा प्रभाग आपके अंदर के तो उसकी बहुत सारी समस्या, उसमें किस तरीके से आप काम करते हैं? मैं पहले अपना ये अपना गटर है वो उसके ऊपर पहला काम करूंगी, बाद में पार्किंग की जो समस्या है उस पर ध्यान देने की कोशिश करूंगी और धीरे धीरे जैसे चार संभालती हूँ वैसे मैं सब विकास करने का प्रयास करूंगी। हमारी 26 नंबर की नगर सेविका दीपाली मोतीराम भगत जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े कांग्रेस के टिकट पे यहाँ से जीत कर आए, उसके बाद में आघाड़ी के तहत हम लोग ने डे वन से राष्ट्रवादी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। हमारे जो थाने शहर जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष है मोतीराम भगत साहब, जो अभी कांग्रेस के पैनल पे, उन्होंने भी काफी आवाज आपके इलेक्शन में बोलो या राष्ट्रवादी के इलेक्शन में बोलो लॉयल्टी से आघाड़ी का दम निभाते हुए हमने काम किया। इस चीज को देखते हुए हमारे विक्रांत चौहान साहब जो थाने शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, हमारे आमदार जितेंद्र आवाज साहब, इन सबके बीच में बात होके उनको दीपाली मोतीराम भगत को इस बार मुंब्रा प्रभाग समिति का सभापति पद का अध्यक्ष पद दिया गया है। और इसके लिए हम लोग ने देखा कि 26 नंबर में काफी काम हुआ, आप लोगों ने भी काफी सारा देखा कि 26 नंबर में रोड, नाले, गटर, साफ सफाई काफी ध्यान दिया है उन्होंने, बारीकी से काम किया है। अब एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर बढ़ गई कि अब यही जिम्मेदारी हमको पूरे मुंब्रा में निभानी है, पूरे मुंब्रा प्रभाग समिति के अंतर्गत जितना भी एरिया आता है सब जगह छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। मेरे ख्याल से 2009 में हमारे पास आखिरी कांग्रेस के पास मुंब्रा प्रभाग समिति था, उसके बाद इस बार ये मुंब्रा प्रभाग समिति मिला है। और इसी के साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं शमीम खान साहब का,
जितेंद्र आवाज साहब का, हमारे अध्यक्ष विक्रांत चौहान साहब का और हर नगर सेवक जिसने हमारा साथ दिया और उनसे हम उम्मीद लगाते कि आगे भी हमेशा हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ अपने हमारे जो MLA जितेंद्र आवाज साहब है उनको, और हमारे जो अध्यक्ष है विक्रांत चौहान साहब और हमारे शमीम खान साहब को, जो हमको इतना कैपेबल समझे उन्होंने, जो हमको ये पोस्ट दिए। और ये पोस्ट को लेते हुए हम अपने मुमरा में पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। जो भी है, रोड, नाला, पानी, XYZ जितना भी हमको प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे। जहाँ तक के देखा जाए अभी जब में ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, वो पानी के प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग पहली प्रायोरिटी वो पानी के प्रॉब्लम को देने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की कंप्लेंट हमें अभी आ चुकी है। और रोड का जो प्रॉब्लम है वो भी हम लोग देखेंगे। और जितने नगर सेवक हम लोग चाहते हैं कि सब साथ में मिलकर ये काम करें और हमको अपने अपने वार्ड में बुलाए, इनविटेशन दे, ताकि हम लोग को सब प्रॉब्लम उनकी मालूम पड़े और हम लोग वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें।